तो अभी हम बात करने जा रहे हैं साधना ब्रॉडकास्ट के बारे में। बहुत दिनों के बाद यहाँ पर एक खुशी का अवसर आया है कि भाई कंपनी के अंदर 5 डेज़ के अंदर एक ही लोअर सर्किट के बाद लोगों का शेयर सेल हो गया। अगर लोग फ़ायदे में थे तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पर 3 दिन ही अपर सर्किट चल पड़ा है और आज के दिन भी हमने देखा कि भाई शेयर अपर सर्किट में ही लगा पड़ा है। अभी हम देखते हैं कंपनी के अंदर क्या ऑर्डर्स चल रहे हैं और यहाँ से कंपनी आप लोगों को कहाँ तक के रिटर्न दे सकती है। बाकी इसके अलावा केवल यही एक शेयर नहीं है जिसके अंदर हमने नज़र बनाकर रखी हुई है, स्कैंडेंट इमेजिनिंग, बनास फाइनेंस, तरह तरह के शेयर्स जो कि आप लोगों को 100-150% तक के रिटर्न दे चुके हैं, और अभी अभी कलर चिप्स भी आप लोगों को 150% तक का रिटर्न दे चुका है। प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग फंस सकते हो, 100% गारंटी है। इसके अलावा हमने देखा कि भाई साधना ब्रॉडकास्ट जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं, शेयर में फिर से लग चुका है अपर सर्किट। अभी ये देखते हैं कि भाई आने वाले टाइम में या फिर 1-2 हफ्ते में ये शेयर कहाँ तक जाएगा। तो ये कंपनी आप देख सकते हो कि भाई आज के दिन भी अपर सर्किट में लगी हुई है। इसी के साथ साथ 5 सितंबर यानी कि कल के दिन बल्क ऑर्डर्स देखने के लिए मिले हैं। 6 सितंबर यानी आज के दिन का बल्क ऑर्डर्स मार्केट क्लोज होने के बाद पता चलेगा। बाकी दोस्तों एक बल्क ऑर्डर जो हमारे को देखने के लिए मिला है, चाहे वो बाइंग में वो सेलिंग में, वो हम उसे एंड में ही कंसिडर करेंगे। अभी हम देख लेते हैं आज के दिन की वॉल्यूम किस हिसाब से चल रही है और लोग बाय सेल किस हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे से मतलब चीज़ से कि भाई लगातार लोग बाय करते जा रहे हैं। 15,84,000 शेयर्स दोस्तों यहाँ पर लोग बाय करते जा रहे हैं और कोई भी यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर नहीं है। तो उस हिसाब से इसे ही अपर सर्किट कहते हैं कि भाई हाँ लोग बाय करते जा रहे हैं लेकिन कोई सेलिंग ऑर्डर नहीं है। तो लेकिन क्या पता ये झांसा हो, केवल ऑपरेटर सेल करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम देखा था साधना कंपनी की ही एक सब्सिडरी कंपनी साधना बायो ऑयल्स सेल कर रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कल के दिन भी जो ऑर्डर लगा है ना वो भी सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है, लगभग 9,30,000 शेयर्स का, 11/8 को लगा था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट जो सेलिंग ऑर्डर लगा था 90 लाख शेयर का लगा था, जो कि मेन हमने जड़ पकड़ी थी कि भाई शेयर क्रैश करेगा, लेकिन उस टाइम दोस्तों किसी ने बात नहीं मानी थी। तो ये लेवल आप मतलब उस लेवल से शेयर बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पर आ चुका है और अभी भी सेम पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है कि भाई कंपनी के अंदर 93 लाख मतलब 9,30,000 शेयर्स यहाँ पर सेल करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी वो किसने सेल किया वो भी हम देख लेते हैं। और इससे पहले भी कंपनी की वॉल्यूम अच्छी खासी लगी हुई थी, ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी के अंदर कुछ वॉल्यूम नहीं थी। 13 लाख 10 लाख 13 लाख 19 लाख के हिसाब से वॉल्यूम देखने के लिए मिली थी। आज के दिन की वॉल्यूम अच्छी खासी है, मतलब कंपनी के अंदर वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं है कि भाई अगर बाय कर लिए तो सेल कैसे होगा, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में ऐसी दिक्कतें देखने के लिए मिलती है कि भाई बाय तो हो जाता है सेल होता ही नहीं। तो अभी हमारे को एक नया नाम देखने के लिए मिला है कि भाई गौरव गुप्ता नाम के बंदे ने 9,30,000 शेयर सेल करें 19 रुपये के हिसाब से। इससे पहले साधना ऑयल्स वाले ने मज़े ले रखे थे, लोग बाय करते जा रहे थे और ये सेल होते जा रहा था। अगर आज के दिन भी सेलिंग ऑर्डर देखने के लिए मिल रहा है तो भाई ये वाला अपर सर्किट केवल एक झांसा है, आप लोगों को केवल पागल बनाने के लिए अपर सर्किट लगाया गया है कुछ टाइम के लिए कि भाई कुछ ऐसे ऐसे टाइप्स के ऑपरेटर्स यहाँ पर निकल सकें। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में ये शेयर फिर से आप लोगों को कम से कम 30-40% तक का रिटर्न देने के बाद फिर से डंप करा जाएगा, और डंप होएगा मेन ज़्यादातर भारी सेलिंग ऑर्डर्स की वजह से। बाकी इसके अलावा हमने सेम पैटर्न नोट करा है बनास में, स्कैंडेंट में, हर शेयर्स के अंदर नोट करा है। और जो ये सेलिंग ऑर्डर्स आते हैं ये हमेशा भारी मात्रा में आते हैं जिसकी वजह से दोस्तों रिटेल निवेशक तो बाय करते जा रहे हैं और ये बड़े बड़े लोग सेल करते जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वॉल्यूम भी खत्म हो जाती है, लोगों के शेयर सेल नहीं होते और लोअर सर्किट अलग से। बाकी आप लोगों को क्या कहना है दोस्तों इस शेयर से रिलेटेड, ये बात कमेंट करके जरूर बताना।